राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शुक्रवार को मौसम विभाग ने कहा था कि आज यानी कि शनिवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि आज यानी 22 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश, ओले और भयंकर ठंड पड़ने जा रही है। ठंड का आलम यह है कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली वाले लगातार ठिठुर रहे हैं, वहीं यूपी में भी ठंड और कोहरे ने कोहरा मचा रखा है, तो बिहार वाले शीतलहर से कांप रहे हैं। राजस्थान में भी भयंकर ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 19 जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने, ओले गिरने और बारिश होने का पूर्वानुमान के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। IMD ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम और घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया था। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों अलर्ट शनिवार सुबह तक प्रभावी हैं। उनका कहना है कि ऑरेंज अलर्ट ग्वालियर, शिवपुरी, गना, दतिया, अशोकनगर, शिवपुर, मुरैना, भिंड आदि के लिए जारी किया गया था। IMD के भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने कहा है कि चक्रवाती परिसंचरण मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से में बना हुआ था, जबकि एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पाकिस्तान और उससे सटे दक्षिण पश्चिम राजस्थान में था। इनसे मध्य प्रदेश में नमी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर घाटी के अधिकतर हिस्सों में लोगों को सर्दी से हल्की राहत मिली है और केवल गुलमर्ग और पहलगाम पर्यटन स्थलों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले दिल्ली में ठंड थोड़ी कम हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज 22 जनवरी और कल 23 जनवरी को बारिश होने का अनुमान जताया गया है। बारिश के साथ दिल्ली में ठंडी हवा भी चलेगी, जिससे यहां का तापमान और गिर सकता है। इस समय दिल्ली के पूर्वी हिस्सों में यूपी से और पश्चिमी हिस्से से पंजाब, हरियाणा से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से ठंड बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।